तो भाई वही हुआ जिसका डर था। फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया है। और बात अगर करें तो भाई वही मसला, हमारा बैटिंग हमेशा की तरह इस बार भी कोलैप्स कर गया, उनसे रन नहीं बने। यार कब तक चलेगा भाई ये मसला, आखिर कब तक चलेगा? अब्दुल्ला शफीक जल्दी आउट हो गए, इमामुल हक ने कोशिश करी 36 रन बनाए वो भी आउट हो गए, बाबर आजम ने फाइनली इंडिया पे 150 मार ही दी लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, रिजवान 49 पे आउट हो गए। तो भाई बाबर और रिजवान को तो फिलहाल के लिए आज तो हम ब्लेम नहीं करेंगे, कुछ अगर रन बने तो भाई उन्होंने ही बनाए, लेकिन नीचे से इफ्तिखार, शादाब, नवाज़ कोई भी कुछ नहीं कर सका एट द एंड ऑफ द डे। तो भाई पाकिस्तान की बैटिंग शुरू से हमारे लिए मसला है, नहीं समझ आ रहा भाई किसको निकालें, किसको लें, किसको नहीं लें, कुछ भी इस वक्त समझ नहीं आ रहा है। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मतलब आप किस पे बात करोगे भाई कि इसने गलत खेला उसने गलत खेला, नहीं भाई पूरी टीम ने कुछ नहीं करा। तो ये था सिनेरियो। हालांकि पिच प्रॉपर बैटिंग थी, अगर आप इंडिया की बैटिंग देखें तो उन्होंने बहुत तेज़ी से गेम को वो आगे लेके गए, अच्छा खासा जल्दी उन्होंने मैच ख़त्म कर दिया। हालांकि उन पर प्रेशर नहीं था, ऑब्वियसली 13 नहीं थे, बट फिर भी पिच की डिमांड तो थी कि भाई आज बैटिंग पे 300-350 रन होने थे, खैर वो तो हुआ नहीं। दूसरा फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या बात करें, जब रन ही कुछ नहीं बने तो शाहीन शाह ने दो विकेटें ले ली भाई, हसन अली ने ले ली एक विकेट, हारिस रऊफ वही पिटे, शादाब खान पिटे, मतलब ना तो यार बैटिंग कर पा रही है कुछ, ना बॉलिंग कर पा रही है कुछ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस टीम का क्या हालोवाल है। कभी भी चल गई, कभी भी बिल्कुल ही नहीं चली, तो भाई सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। मतलब यार मैं वही कहता हूँ, कल भी मैंने ये बोला कि यार एक कांटे की टक्कर तो हो, आप हार जाओ थोड़ा लड़ो, कुछ मैच तो बने यार। हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान का ये वर्ल्ड कप का मैच बोरिंग ही होता है, वन साइडेड ही होता है, या तो पाकिस्तान वन साइडेड ले जा रहा है या इंडिया वन साइडेड ले जा रही है। अबे भाई फाइटिंग क्यों नहीं हो रही है इस मैच में, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी हाइप बनी, इतने दिन से लोगों ने वेट किया कि यार मैच होगा अहमदाबाद में ये वो, अबे लोगों के तो टिकट ही ज़ाया होगा यार, फ़ायदा क्या हुआ ऐसा मैच देखने का जिसमें पता ही था कि इंडिया जीत रहा है। तो भाई ये तो क्या बोलें यार इस बारे में, मतलब कोई फाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, बस ख़त्म कर दिया मैच। तो भाई ये है आज के तासुरात, बैटिंग का कुछ करना पड़ेगा, इनको कॉन्फिडेंस तो भाई और क्या है पीछे हमारे पास, किसको खिला लें जब कोई भी नहीं खिले ना, एक आधे का मसला होता तो आप हटा देते हो, यहाँ तो पूरी टीम ने परफॉर्म नहीं किया, बेड़ा गर्क तो कर हो ही गया है। बट खैर भाई उम्मीदें अभी तक जिंदा हैं क्योंकि अभी तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप से भाई बाहर नहीं हुआ, एक मैच हारा है लेकिन आगे और मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया से है, साउथ अफ्रीका से है, अफगानिस्तान से है, बांग्लादेश से है, तो इन सारी टीमों से है। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीदें यही हैं कि पाकिस्तान यहाँ से गिरेगा नहीं, यहाँ से उठेगा, अपनी चीज़ों को हल करेगा, सीखेगा और बाकी जितनी भी टीमें उनको हरा के टॉप फोर में तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। तो खैर उम्मीदें अच्छी हैं, बेस्ट विशेस फॉर इंडिया भाई, बहुत अच्छा खेला आपने, ज़बरदस्त, पाकिस्तान से भी हमें अभी तक उम्मीदें हैं कि ये खेलें, और तो मैं कुछ बोल नहीं सकता आज। फिलहाल के लिए मेरे भाई अल्लाह हाफिज़।